हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। मैंने ऐसी गाजर लेके इनको अच्छे से छील के इनके साइड्स को ऐसे कट करके धोकर इनको तैयार कर लिया है। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से ये रेडी हो गई हैं। अब हम जो ये ग्रेटर है ना, इसका एक साइड ये है पतली और एक साइड है इसकी मोटी, तो हम इसको मोटी साइड से ग्रेट करेंगे। ये देखिए, गाजर को मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है, कितनी फ्रेश गाजर हैं। और ये 3 किलो मैंने दूध लिया है, मैंने फुल क्रीम नहीं लिया है। आज फुल क्रीम नहीं मिला तो सबसे पहले हम दूध चढ़ाते हैं। दूध हमने उबालना चढ़ा दिया है और हमें यहाँ जो ध्यान रखना है ना, वो हैवी बॉटम पैन लेना है, हैवी बॉटम कढ़ाई हो। मेरे पास ये कुकर है तो मैंने इसमें चढ़ा दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा ना, हम गाजर डालेंगे। देखिए, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे ये किसी भी गाजर इसके अंदर। और मैंने ना ये जितना भी सामान लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी। अब देखिए, इस तरह से ना हम इसको गाजर को लगातार पकाएंगे। तो हमने और कुछ नहीं लिया, ना मावा है, ना भी घी डाला है ना, केवल दूध में इन गाजर को पकाएंगे। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, बिल्कुल लास्ट में तो हमें बराबर चलाना पड़ेगा, पर अभी दूध के साथ है तो कम कम चलाते हुए इसको पकाएंगे। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, 1 से 1.25 घंटा हलवा बनने में लगता है, बट टेस्टी और न्यूट्रिटिव होता है। ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा दूध साथ साथ ना। तो अभी भी हमारा ये ऐसे लग नहीं रहा है नीचे से, पर ध्यान जरूर रखिए, है ना। अभी और पकाना है, हमें दूध को सुखाना है बिल्कुल ठीक होने तक। देखिए, अभी इतना ठीक होना शुरू हो गया है ना, तो इस बीच हम ना इनको देखते रहेंगे, इसको हलवे को, ताकि बीच में लगे ना, और चलाते रहेंगे। तो आप देखिए, मावा डालने की अलग से जरूरत नहीं है, ये दूध का ही मावा जैसे निकल रहा है। इसी समय ना हम कुछ कटे हुए बादाम और किशमिश डाल देंगे, ठीक है। काजू भी डाल सकते हैं, तो मैं थोड़े से काजू भी डालूंगी। आप देखिए कितना गाढ़ा ये होना शुरू गया। टाइम जरूर लगता है पर बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, इस तरह से थिक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और थिक हो जाए, दूध सूख जाए, हम इसमें चीनी डालेंगे। ये शुगर डाल दी मैंने आधा कप, इसको भी मिक्स करेंगे। अब ये देखिए ना, इस टाइप से दूध सूखना शुरू हो गया है। इस समय ना हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप छोड़ के इस समय हलवे को गए ना, तो ये फिर जल सकता है, नीचे लग सकता है और आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो कभी कभी तो इसी स्टेज पे कुछ लोग रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। हल्का सा दूध होता है, वो थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद सूख जाता है। बट अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, आप थोड़ा सा घी डाल के भूनना चाहते हैं, थोड़ा सा रेड कलर चाहिए, तो आप उस तरीके से ज़्यादा भून सकते हैं, मतलब दूध को और सुखा सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाऊँ, इसमें धुएं के कारण ना एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो काफ़ी कुछ दूध जो है वो मावे की तरह लगने लगा है, कलर बहुत अच्छा आया है। थोड़ी देर और हमें अच्छे से सुखाना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं सुखा के बता रही हूँ, कि बस आपको चलाते रहना है। जब सख्त हो जाएगा ना, तो आपको देख के चलाना है, ये नहीं कि गैस ऑन की और आप चले गए कहीं भी। जब हम शुगर डालते हैं ना, तो वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो वो भी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं ये सुखाने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए, हलवा बहुत बढ़िया है, आप इस समय भी इसको रख के खा सकते हैं। मीठा आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध भी मैंने फुल फैट नहीं लिया है, तो आप कैसे भी, मतलब फुल फैट से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, बट अगर आप घर में इसी तरह से बनाएंगे तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। मतलब जो हमारी नानी दादी या मम्मी जिस तरीके से बनाती थी ना, वो यही मेथड था। और इवन ड्राई फ्रूट्स भी ना, सब इसी तरह से कच्चा ही डाल देते थे। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए और फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको खाना है ना, फिर निकालिए, गरम कीजिए और खाइए। तो ये विंटर है, लाल गाजर आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया मीठी हैं। बल्कि मैं तो आपको कहूँगी, अगर आप डायबिटिक हैं
तो आप इसमें चीनी मत डालिए बिल्कुल भी। गाजर और दूध का ही अपना फ्लेवर इतना मीठा होता है, क्योंकि जो लोग चीनी नहीं खाते ना, शुगर नहीं लेते बिल्कुल भी, तो इनको अपने आप में ही गाजर और दूध का भी ये मिश्रण बहुत मीठा लगेगा। तो मिलते हैं अच्छे से भुनने के बाद। ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट ना तैयार हो गया है, देख रहे हैं ना आप, इसका जो इसमें दूध था वो सूख गया है। अब हम यहाँ पर ना इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इससे ना थोड़ा शाइन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक चम्मच है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये हलवा बनकर तैयार है। देखिए मैंने जब 1 किलो गाजर को छीला, उसकी साइड्स को कट किया, तो वो 850 ग्राम के करीब बची। इसलिए मैंने 2-3 गाजर छील के और डाली और उसको 1 किलो किया, यानी वेस्ट वगैरह सब निकाल के 1 किलो था। 3 किलो दूध लिया, 3 किलो से भी मैंने थोड़ा कम रखा, 2.5 किलो दूध लिया मैंने इसमें, और चीनी मैंने 3/4 कप डाली है। अब ये देखिए इन 2-3 चीज़ों से ही हलवा जो है परफेक्ट बनकर तैयार है। आप नीचे देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है और अच्छा बहुत बना है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। चीनी आप कम ज़्यादा अपनी तरफ से कर सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही यमी है। आप कहेंगे कि ऐसा हलवा नहीं खाया। देखिए माँ बाप बाहर से लाते हैं, वो कैसा है कुछ नहीं पता होता है। अब दूध गाजर से थोड़ा टाइम लगता है, बट इसका जो टेस्ट है ना वो ऑसम है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।